हम लोग इसी पॉइंट पर आज डिस्कस करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आज हम लोग का यही पॉइंट है कि हम लोग को यही लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए फैराडे ने दो नियम दिए। पहला जो नियम है वो बताता है चार्ज और इलेक्ट्रोलिसिस के क्या प्रोडक्ट निकलेगा उसके मास के बीच में। दूसरा जो लॉ है वो बताता है मास और उसके इक्विवेलेंट वेट के बीच में। पूछता है क्वेश्चन में कि फैराडे का कौन सा लॉ उसके मास और इक्विवेलेंट वेट के बीच में रिलेशन बताता है और कौन सा लॉ चार्ज और मास के बीच में बताता है। तो पहला चीज तो हम यहीं पर ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये किसमें रिलेशन बताता है, इट गिव्स मास और वेट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वेट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। मतलब कि कितना चार्ज फ्लो किए और कितना इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो आपको हम इस चीज को पहले पिछले क्लास में बताए थे कि इलेक्ट्रोलिसिस किस बर्तन में होता है, उस बर्तन को क्या कहते हैं, जिस कंटेनर में होता है उस कंटेनर को क्या कहते हैं, बताए हैं आपको, बताइए क्या कहते हैं, जिस कंटेनर में होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। ध्यान से समझिएगा, हम बताए थे कि देखिए इलेक्ट्रोलिसिस जिस बर्तन में होता है इस बर्तन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। इसमें से कैथोड कौन है, एनोड कौन है, इसका पता कैसे चलता है, आप जानते हैं कि ये जो बैटरी है इसका ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो निगेटिव टर्मिनल से जुटेगा उस टर्मिनल पर क्या होता है, प्लेट पूरा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और निगेटिव चार्ज के तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बताइए, कैटायन। तो ये वाला जो रोड है ये क्या कहलाएगा, कैथोड। बात समझे, पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, एनायन। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, इतना सिंपल बात है, कौन अट्रैक्ट होगा उसके आधार पर नाम होता है, उसके तरफ मूव कर कौन मूव किया, अट्रैक्शन होगा किसी चीज के बीच में। तो लिक्विड फेज कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस क्यों, आप सोचिए इलेक्ट्रोलिसिस कब क्यों, या तो मोल्टन स्टेट रहेगा या एक्वस स्टेट रहेगा, क्योंकि आयन जब तक मूव नहीं करेगा तब तक वो इलेक्ट्रोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस किनका हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस किनका हो रहा है, ये बात समझ गए आप कि इलेक्ट्रोलिसिस में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आयन मूव कर रहा है। और उसके बाद हम आपको बताए थे कि कोई भी जो कैथोड होगा कैथोड पर ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि कोई भी कैटायन जो C प्लस है वह इलेक्ट्रॉन लेकर C में कन्वर्ट होगा, और कोई एनोड है एनोड पर क्या होता है, ऑलवेज कहीं पर भी ऑलवेज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सोच के बोलिए, कुछ इसी तरह नहीं बोलना है,
एनोड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकदम दिमाग में इसको बैठा लीजिए। तो यदि कोई एनायन ए प्लस है या ए ए प्लस है तो वो ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से क्या होता है, एन 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 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ केटायन प्लस है तो एनायन को ए माइनस लिखना पड़ेगा, हाँ तो लॉस होगा। तो देखिए ये चीज को दिमाग में बैठाइए कि कहीं पर भी जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैटायन क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और अपने आप को सी बना लेगा, और एनायन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। तब यहाँ पर देखिएगा कि जब भी कैथोड का रिएक्शन लिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ लिखाएगा, एनोड का रिएक्शन लिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन। ये छोटा छोटा बात है जो कि आपको जानना चाहिए। अब हम पिछले क्लास में आपको इलेक्ट्रोलिसिस का क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बता चुके हैं, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि फैराडे लॉ हम पढ़ते क्यों हैं? तो हम जब पिछले क्लास में आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताता है, तो जब किसी चीज में क्या बनेगा तो उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्या बनेगा तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव, और कितना बनेगा तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो फैराडे लॉ वास्तव में बताता है क्वांटिटी के बारे में बताता है, तो फैराडे लॉ क्या बताता है इलेक्ट्रोलिसिस के, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से, कि इलेक्ट्रोलिसिस यदि होगा तो हमको कितना कंपाउंड बनेगा। पहले हम बताए थे कि क्या बनेगा, दो क्लास हम लिए थे कि क्या बनेगा, कि इस चीज का इलेक्ट्रोलिसिस होगा क्या बनेगा, इस चीज का इलेक्ट्रोलिसिस होगा क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड बदल देंगे तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन बदल देंगे तो क्या बनेगा। आज हम बता रहे हैं कितना बनेगा, आज हम क्या नहीं बताएंगे, कितना बनेगा। बात समझ में आपने? तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इतना सब कुछ लिखने के बाद पहला पॉइंट लिखिएगा, फैराडे लॉ डील्स विथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी के बारे में बताएगा, अमाउंट के बारे में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज इन अदर वर्ड we can say that the first law of faraday FARADAYS post office, first law of faraday correlates the amount of substance liberated to the quantity of electricity passed through the इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके बाद देखिएगा इस तरह से अकॉर्डिंग टू लिखने आता है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे the weight of substance liberated bracket में ions oxidized or reduced at any electrode
एनी के जगह क्या और लिख सकते हैं, एट आइदर इलेक्ट्रोड, एनी इलेक्ट्रोड के जगह क्या लिख सकते हैं, और इधर इलेक्ट्रोड, ई आई टी एच ई आर, इधर इलेक्ट्रोड। कुछ बच्चा कंफ्यूज होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड मिलाकर, नहीं, किसी एक का। क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा हुआ है, एट आइदर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या हुआ, जैसा कोई बच्चा हमको बता सकते हैं? कहना ये कह रहा है कि यदि हम ज्यादा चार्ज पास करेंगे तो ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, कम पास करेंगे तो कम मास डिपॉजिट होगा। मतलब कि हम बोले कि जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज का। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर, एट इधर इलेक्ट्रोड, एट इधर इलेक्ट्रोड, ध्यान से समझिए, दैट इज, और चार्ज भी किसमें होगा, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, बोलिए, कूलम किसके बराबर होता है, I in ampere and T in second, और प्रोपोर्शनलिटी घसकाइएगा तो इक्वलिटी आएगा, तो एक क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसको आप कहते हो Z, इस Z को कहते हैं ECE, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, ECE, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तीन बच्चा से पूछना हमको है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसी को बस समझना है। पहला लॉ में यदि कुछ समझने का चीज है तो यही, पहला लॉ में यदि कुछ समझने का चीज है, यह कहता है कि देखिए ध्यान से कि यदि आप लिखिएगा जेड तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, एम बाई आई इन टू टी, या इसको लिख सकते हैं एम बाई क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं? और यदि गौर से देखिएगा तो एक चीज और हम बताए थे वो भी दिखेगा, लेकिन पहले इसको डिफाइन कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कीजिए, लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज ए कॉन्स्टेंट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जैसा, ध्यान से दीजिए कि यदि कोई कहे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है तो हम क्या लिख सकते हैं कि Z इक्वल टू M, जब इसको वन कूलम्ब कर देंगे, मतलब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन वन कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, मतलब एक कूलम्ब पास करने से जो मास डिपॉजिट होता है किसी सब्सटेंस का वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन वन कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वन कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। इसी चीज को कोई दूसरा आदमी कैसे बोल सकता है, कोई दूसरा आदमी पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में तो आप दूसरा आदमी कैसे बोल सकते हैं,
कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वह मास है जो 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड फ्लो करने से प्रोड्यूस होता है। अब जिसको दोनों समझ है तो और अच्छा है, लिख लीजिए आप लोग याद रखेगा। 1 कूलम को आप क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड, लिख लीजिए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास और वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड बाईपासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड। एक बार पूछा नीट में ही, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईसीई, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ईसीई। कोई बच्चा आप लोग में से है जो बता सकते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? क्या बोले? वेरी गुड, एकदम प्राउड ऑन यू, एकदम सही बताया कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी बटे कूलम। तो ये एकदम सही जवाब है, केजी पर कूलम। वेरी गुड, केजी पर कूलम, बहुत अच्छा। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया है कि यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हेडिंग दीजिए रिलेशनशिप बिटवीन। यहीं से क्वेश्चन पूछा है 2 बार, एक बार आईटी में, एक बार नीट में। रिलेशनशिप बिटवीन between one Faraday and ECE, between one Faraday and electrochemical equivalent, मतलब कि Faraday constant या bracket में लिख दीजिए Faraday constant and ECE, ये important point है, यहाँ थोड़ा गौर से समझना है कि फराडे कांस्टेंट का ईसीई से क्या रिलेशनशिप है। मिटा सकते हैं इधर, चलिए एक एक बात को थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा। देखिए काम तो सब करता है, जैसे कि एक साल आप ही नहीं पढ़ते हैं, सब पढ़ता है देश भर में, बहुत सा लोग, मतलब कि 18-19 लाख लड़का, उसी में कोई पूरा का पूरा सही कर लेता है, कोई माइनस में ले आता है। तो डिफरेंस किस चीज में है? काम करने के तरीका में, कंसंट्रेशन में, डिवोशन में। बात समझे कि नहीं? इसी साल परीक्षा में देखे 2 बच्चा, एक लड़का एक लड़की, क्या लाया? पूरा का पूरा नंबर लाया। हम बहुत बच्चा माइनस में भी नंबर, माइनस में भी नंबर। तो डिफरेंस किस चीज में, यदि सच पूछे तो बस कंसंट्रेशन में, कैसे करते हैं इसमें। काम सब कर रहा है, वो भी कोचिंग गया होगा, वो भी किसी कोचिंग में टहला होगा, तो थोड़ा सा अपने आप में सुधार लाइएगा तो सुधार बहुत बड़ा दिखेगा, नहीं लाइएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। अब देखिए इसको समझना है बारीकी से, कि आपको हम बताए थे कि फराडेज कांस्टेंट क्या है, जिसको कि हम एफ बताए थे, ये फराडेज कांस्टेंट क्या है, क्या है? ये क्या है बताए थे आपको, याद कीजिए कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -19 कूलम एसआई सिस्टम में, ठीक है? नहीं सही है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, क्या होगा बोलिए? 6.022 × 10⁻³ × 1.6 × 10⁻³। इन दोनों को गुना करिएगा तो देखिएगा, गुना करने में हड़बड़ाना नहीं है, इन दोनों को गुना करिए आप, ये आएगा 9.5, देख लीजिए 9.5, अपना कैलकुलेटर में कर लीजिए, और इन दोनों को गुना करिएगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। 10⁻²³ को 10⁻⁹ से गुना करेंगे कितना आएगा,
कितना आएगा आप ही बताइए, 10 to the power 4, 10 to the power 4, क्योंकि गुना करने में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो ये दोनों ऐड होगा तो क्या बचेगा, 4, बिल्कुल सही। अब इसी को आप लिखिएगा, दशमलव को पीछे जाइएगा, इतना। वास्तव में 1 फराडे क्या है, तो इतना कूलम्ब को ही आप 1 फराडे कहते हैं, फराडे फोनमा को थोड़ा सा चार्ज में लगाने के लिए देते या दूध बंद होने पर बंद करके चार्ज में लगा दीजिए। हाँ हाँ चार्ज में लगा दिया, बंद। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि फराडे का, ये जो फराडे कांस्टेंट है वह 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बात समझे। और ये इतना कूलम्ब लिखते हैं उसी को हम मानते हैं फराडे को। और आप जानते हैं कि फराडे किस यूनिट में चार्ज का यूनिट है बाबू, आप बताइए। हाँ ये पूछना नहीं, फराडे किस यूनिट में चार्ज का यूनिट है, SI, CGS, MKS किस में? हाँ देखिए बताइए, क्या बताए, कैसे बोले, CGS। चलिए फराडे चार्ज का ये CGS यूनिट बता रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है कि फराडे किसी भी यूनिट में चार्ज का यूनिट नहीं है, ना SI में है, ना CGS में है, ना MKS, क्योंकि CGS यूनिट चार्ज का क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। तो फराडे ना SI यूनिट है, ना CGS यूनिट है, ना MKS यूनिट है, पहला बात ये दिखेगी। फराडे एक आर्बिट्ररी माना हुआ है कि इतना चार्ज को हम एक फराडे कहेंगे, बात समझ रहे हैं ना बात। ये फराडे के रिस्पेक्ट में फराडे कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है बात। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, फराडेज कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसी को हम कहते हैं फराडेज कॉन्स्टेंट, इसी को कहते हैं हम फराडेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सेकेंड लाइन लिखिएगा, इट हैज बीन फाउंड दैट 1 फराडे और 96500 पहले लिखना था, 96500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस 1 equivalent of that substance at 1 equivalent of that substance at any electrode after electrolysis, 1 equivalent of any electrode after electrolysis, या 1 equivalent लिखेंगे, कहीं कहीं उसको 1 gram equivalent लिखता है तो वो भी लिख सकिए 1 equivalent। मतलब हम कहे कि 96500, ध्यान से सुनिएगा, 96500 दैट इज 1 farad यदि इलेक्ट्रोलिसिस में आप पास करिएगा तो जो डिपॉजिट होगा उस सब्सटेंस का, उस पर डिपेंड करेगा सब्सटेंस क्या है, उसका 1 gram equivalent of that substance, जिस substance है उसका 1 gram equivalent जितना होगा उतना amount deposit होगा, तो पहला point यही main point है कि इतना कूलम्ब यदि आप pass कीजिएगा तो उसका 1 gram equivalent deposit होगा,
मतलब हम ये कहे कि टीचर पढ़ा रहा है, हर एक बच्चा का अपना अपना क्वालिटी है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट उनका होता है, कैल्शियम का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा, सब का होगा कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट। आप पर डिपेंड करता है कि आपका इक्विवेलेंट वेट क्या है। कहने का मतलब कि सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस क्या है। हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा, लेकिन वह बराबर होगा उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर। चार्ज सबको हम उतने देंगे, लेकिन कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका खुद का इक्विवेलेंट वेट कितना है। वो बच्चा घर में कितना पढ़ता है, देखिए पढ़ने के लिए हर समय किताब कॉपी लेकर बैठे रहना जरूरी नहीं है। यदि अंदर से पढ़ने का इच्छा होगा ना किसी को, तो कहीं भी पढ़ सकता है। अंदर से किसी को पढ़ने का इच्छा होगा तो कहीं भी पढ़ सकता है। हम आपको एक बुद्धि सिखाते हैं पढ़ने का। जैसे कि क्लास में जब पढ़ते हैं तो पर डे नया चीज तो 2-3 ही सीखते हैं। एक क्लास में 3-4 टिपिकल बात समझते हैं जो कि डिफिकल्ट है। एक छोटा सा पॉकेट डायरी रखिए, उस पर उसको लिखिए। हम ऑटो पर ही जा रहे हैं तो हमको कोई रोक लेगा मेरा आँख को पढ़ने में? लगेगा भी नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग अपने पढ़ाई पर रहे। जो नया चीज़ सीखते हैं पर डे उसको बार बार देखिएगा, तभी वो आपका होगा। सिर्फ किताब लेके बैठने से, वहाँ पर झुकने से कुछ नहीं होगा। हम मानते हैं कि आप सिनेमा देखने गए, तो सिनेमा देखने जाते हैं तो पहले टिकट लेके खड़ा रहते हैं बाहर में, उस दरमियान तो हम देख सकते हैं क्या क्या फार्मूला था हमारा। इसलिए छोटा सा डायरी रखिए, हर क्लास में क्या नया चीज़ सीखे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ सीखे। देखिए पढ़ाते हैं, हमको भी पता है कि इस पॉइंट में क्या क्या मेन बात है। बच्चा को भी पता आ जाता है कि इस चीज़ चैप्टर में क्या क्या बात है जो कि एग्जाम में आने लायक है, उसको उसमें हम लिख लेंगे। जब हमको मन फुर्सत मिलेगा हम उसको देखेंगे। बस समझ रहे हैं ना, छोटा डायरी रखिए, एकदम छोटा पॉकेट में जो रख सके। और पढ़ने का यही सब तरीका है। थोड़ा थोड़ा सबसे अलग होइएगा ना, तब परीक्षा में नंबर अलग दिखेगा। नहीं तो इंडिया बड़ा देश है, यहाँ ध्यान रखना होगा। आपके जैसा ऐसा लाखों पढ़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना, तो कुछ अलग नहीं करिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो अब आते हैं मुद्दा पर। याद कीजिए, कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि 1 कूलम्ब से जो प्रोड्यूस होगा वह कितना होगा। 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी से जो मास प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, जेड। अभी देखिए दोनों के बीच में रिलेशन, कि 1 कूलम्ब से जो मास प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं जेड, और 96500 कूलम्ब से जो मास प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे, हाँ उसको क्या कहेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, उसी को कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। बात समझा, इक्विवेलेंट वेट हम हल्का फल्का पढ़ाए हैं आप लोग को। तो अब यहाँ पर दिखना है कि 1 कूलम्ब से जो वेट प्रोड्यूस्ड होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और 96500 दैट इज 1 फैराड से जो वेट प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि 1 कूलम्ब से जो प्रोड्यूस हुआ उसको जेड कहें। ध्यान से समझिए, ध्यान रखिए, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 96500 × जेड, यदि कॉमन सेंस होगा तब। 1 कूलम्ब से जेड प्रोड्यूस हो गया तो इतना से कितना होगा, 95। बात समझ रहे हैं मेरे बात की नहीं, इंटू जेड। तो यहाँ से आप क्या सीखे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो 96500 × जेड। तो अब यदि कोई पूछे कि बताइए जेड क्या होता है, तो आप बता सकते हैं ना, दैट्स उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट बटे 9। इसी से 2 बार क्वेश्चन आया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500। लिखिएगा, इतना लिखने के बाद सपोज ऑन पासिंग
1 farad of electricity, that is mathematics for that is 96500 coulomb discharges or deposits e gram of the substance. कह रहा है कि हम सपोज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहा e gram, e capital e, सपोज कि 1 farad that is 96500 कूलम से डिपोजिट हो रहा है e gram of the substance, ठीक है, लिखेंगे सपोज, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यही सब बात है कि 1 farade से माने कि उसका e gram मतलब इक्विवेलेंट वेट जो उसका था उतना डिपोजिट हुआ, तो 1 coulomb से कितना होगा बोलिए, तो e का मतलब इक्विवेलेंट वेट बटे 96500, बात समझ रहे ना, अरे भैया 1 coulomb से कितना होगा तो इतना से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 1 coulomb से जो डिपोजिट होता है उसी को आप क्या कहते हैं, 1 coulomb से जो मास डिपोजिट होता है वो क्या कहलाता है, तो वही चीज को एकदम बढ़िया से क्लियर से हम फिर बोले उसको हम मैथमेटिकली लिख दिए, इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए, हम गारंटी बोलते हैं क्वेश्चन यहीं से आएगा, पढ़ाने का हम सब पढ़ाते हैं, पूरे केमिस्ट्री में 100 पॉइंट है, बच्चा उसको खाली पढ़ ले परीक्षा में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, गारंटी, लेकिन उस 100 पॉइंट समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सालों भर, ही नहीं कि आए 100 पॉइंट आपको दे देंगे, वो नहीं होगा, वो जब पढ़ लीजिएगा तब आप समझ सकते, पॉइंट सभी है, हर साल क्वेश्चन वही जाता है लेकिन पढ़ना आपको सब होगा, नहीं समझे, जैसे कोई कहे कि नहीं हमको हीरा पहनना है, तो आप हीरा को हीरा में तो हवा में तो नहीं लटकाइएगा, उसको होल्ड करने के लिए आपको गोल्ड चाहिए ना भैया, पढ़ाई में भी वही बात है, वो वही समझ सकता है जो पूरा पढ़ा है, बात समझे, यही बात है, 100 पॉइंट है तो 100 पॉइंट को कैच वही करेगा जिसको कि बेसिक्स है, नहीं तो हम देंगे वो निकल जाएगा, बात समझ रहे, ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है लेट डब्लू कैपिटल डब्लू, लेट डब्लू इज द मास प्रोड्यूस्ड बाईपासिंग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, let w is the mass produced bypassing q coulomb of charge, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सीख गए तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीख गए कि यदि कोई कहा कि हम इलेक्ट्रोलिसिस किए और w ग्राम डिपॉजिट हो गया कितना से, q coulomb ऑफ चार्ज, मतलब w ग्राम डिपॉजिट हुआ या लिबरेटेड हुआ, गैस होगा डिपॉजिट हुआ या लिबरेटेड हुआ, जब आप q coulomb, तो आप फर्स्ट लॉ में पढ़े थे कि w जिसको हम लिख रहे थे उसको वहां पर m लिखे थे, इज इक्वल टू zit लिखे थे, अभी आपको तुरंत कुछ देर पहले लिखे थे w इक्वल टू जेड आई टी, तो जहां जेड है वहां हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस बटे 96500 इंटू आई इंटू टी, आई इन एम्पियर टी इन सेकेंड, ध्यान से एकदम कंफ्यूजन नहीं, उसी एम को हम यहां पर डब्लू लिख रहे हैं, डब्लू, यहां तक में कोई दिक्कत होगा तो टोकिए, दिक्कत जरा सा भी हो तो उसी समय ब्रेक मारिए, और आप यदि कंसंट्रेटेड होंगे तो दिक्कत कभी नहीं होगा, इसका हम गारंटी देते हैं। अब देखिए यहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, इसको देखिए,
एक टर्म सिखाए थे आपको मोल, उसमें सिखाए थे कि किसी चीज का जब हम मोल निकालते हैं तो उसके मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं, जब मास के टर्म में। जब किसी के मास को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तब पूछेगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना प्रोड्यूस होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना प्रोड्यूस होगा, इसके लिए क्वेश्चन परीक्षा में ही पूछेगा आपसे। मेडिकल में जब आइएगा तो वहाँ पर इस चीज़ को रिलेट करेगा, या आईटी में इस चीज़ को रिलेट करता है। इसको थोड़ा सा मिटाना भी चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं, क्या करें, फिगर में को मिटा देते हैं। क्या फिगर का तो अभी कोई काम नहीं है, फिगर को मिटाते हैं, क्योंकि इसको आपको दिखाएंगे कैसे। चलिए, अब हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का आप कर रहे हैं वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना बराबर होगा, अभी समझाए, वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ, इसको आप बड़ा सा लिख लीजिए, ऊपर में मास या वेट और नीचे में है इक्विवेलेंट वेट, ये कितना लिखे बताइए। कि देखिए जहां इसको नीचे कर दीजिएगा तो क्या होगा, आई इन एम्पियर इंटू टी इन सेकेंड बटे 96500। कोई बच्चा को दिक्कत है बुआ, यहां से लिख रहे हैं, इसी चीज को यहां पर हम डाले, क्लियर है बुआ, समझ में? और अभी इसको हम बताए थे कि इसी चीज को चार क्यू इन कूलम्ब लिख सकते हैं, बट इसी चीज को फराडे कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये रिलेशन यदि आपको आता है तो नीट का क्वेश्चन इतने से बनता है। यही मेन पॉइंट हुआ इस चैप्टर का, रस पूरा पढ़ाने के बाद यही रिलेशनशिप हमको कंपटीशन में काम आएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस जो होगा वो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, और इस डेरिवेशन का हेल्प करते हुए हम यहाँ से इसको पुट किए। एग्जाम में जितना क्वेश्चन अभी तक नीट में आया है सब उतने दूर से है, इतना को बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसी में कोई एक दिया रहेगा दूसरा निकालना रहेगा, ठीक है? अब हेडिंग देते हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इतना को एकदम बढ़िया से समझ लिए होंगे तो अब हम लोग नया शुरू करते हैं, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ को हम लोग डिस्कस किए, फर्स्ट लॉ का समरी पॉइंट है, इसको बस बचा के रखना है, सारा क्वेश्चन उतने दूर से बनेगा। फराडे सेकेंड लॉ क्या बताता है, इसको थोड़ा समझिए बात। वो बताता है कि सब लड़का को सेम टाइम पढ़ाया जाए, सब लड़का को सेम टाइम पढ़ाया जाए, तो कौन ज्यादा नंबर लाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है, बात समझे? पहला लॉ कहता है कि जिस लड़का को जितना ज्यादा पढ़ाया जाएगा उतना ज्यादा वो नंबर लाएगा। दूसरा लॉ कहता है कि नहीं, यदि सब लड़का को सेम टाइप से पढ़ाया जाए तो वो लड़का ज्यादा मास नंबर लाएगा जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है। मतलब कहता है सेकेंड लॉ कि यदि हम सारे इलेक्ट्रोलिटिक वेसल्स से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ज्यादा सब्सटेंस मास प्रोड्यूस होगा जिसका कि इक्विवेलेंट वेट, बात समझ रहे हैं मेरा बात? तो लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे या फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ क्या बताता, पहले तो ये तोड़ तोड़ के पढ़ना है। गिव्स द रिलेशनशिप, गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेट और मास, गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेट और मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, वेट और मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। चीज तो समझे आप कि फराडे सेकेंड लॉ किसके बीच में रिलेशन बताता है,
तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो सब्सटेंस है उसका वेट और उसके इक्विवेलेंट वेट के बीच, उसके वेट और इक्विवेलेंट वेट के बीच। अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कब हुआ था, बोलिए तो। इसमें फराडे लॉ दिया गया था 1833 के आसपास, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी से लगभग 70 साल पहले। सोचिए कि इलेक्ट्रोलिसिस में हर जगह इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, लेकिन फराडे के समय तक पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन होता है। फिर भी फराडे लॉ यूनिवर्सल लॉ है, ये नहीं कि इंडिया में सही है, दुनिया के किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेनेट पर जाके भी मेजर करिएगा तो सेम रिजल्ट देगा। अर्थे पर नहीं, चांदों पर लगाइएगा तो सेम रिजल्ट देगा। तो ये बताता है कि कोई चीज होने के लिए संसाधन के बारे में जानिए ना जानिए, अपना ईमानदारी से फराडे काम किया था, जो पाया वो लिखा। तो दुनिया का यूनिवर्सल लॉ फराडे का है, ये नहीं है कि झारखंड में होगा और कि कहते हैं चांद पर नहीं होगा, वो ऐसा बात नहीं है, बात समझे। सोचिए कि फराडे के नियम में सब काम इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन फराडे को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चिड़िया भी होता है, बात समझे। सोचिए 70 साल बहुत, एक पीढ़ी निकल जाता है उससे पहले। तो आपको ध्यान रखना है, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फराडे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फराडे, इफ सेम करंट और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम करंट और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, then the weight of substance deposited, then the weight of substance deposited at the electrode is proportional to the equivalent weight of that substance, weight of substance deposited is proportional to the equivalent weight of that substance. कहने का मतलब, इसको एक यदि हम फिगर से दिखाएं, ध्यान से समझिए कि सेम अमाउंट ऑफ करंट है, ध्यान से समझिएगा कि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। सेम करंट बोला तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो यदि किसी चीज में सेम करंट पास करना होता है तो उनको सीरीज में जोड़ा जाता है, उसको सीरीज में जोड़ा जाता है, और यदि सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखना चाहते हैं तो उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, बात समझे कि नहीं। तो यदि हम बहुत सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में जोड़ दिया जाए, मतलब कि जितना करंट इसका निकल रहा है इसको दूसरे में पास करा दीजिएगा, फिर दूसरा से तीसरे में पास करा दीजिएगा, और तीसरा कंटिन्यू है। तो यदि आप किसी चीज को सीरीज में जोड़ दिए तो जो करंट आई यहां जाएगा वही इसके होते हुए इससे निकलेगा, बात समझ रहे हैं ना बात। यदि किसी चीज में हमको ये चाहते हैं कि उनमें सेम करंट है तो सारे सिस्टम को किस में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना। तो यह कहता है ये फैराडे लॉ कि यदि आप सेम करंट देते हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि आप I इन एम्पियर एंड T इन सेकेंड, दैट इज Q, क्या करते हैं सेम रखते हैं, मतलब कि यदि चार्ज सेम रखते हैं, दैट इज सेम चार्ज इज फ्लोइंग, देन मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट होगा, देन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। जिस सब्सटेंस का मास होगा, मतलब कि यदि 5 सब्सटेंस है तो M1 का जो मास होगा उसके E1 के प्रोपोर्शनल होगा, M2 का होगा तो वो क्या होगा E2 के प्रोपोर्शनल होगा, कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है।
और जब दो चीज प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। यदि एम वन इज डायरेक्टली, अच्छा ये सब आगे का बात है, पहले इतना लिखिए, मतलब इतना लिखने के बाद लिखिएगा लैंग्वेज, इतना लिखने के बाद लिखिएगा। अब कह रहा है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जब दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका रेशियो क्या होता है? कहने का मतलब फैराडे लॉ कहता है कि यदि 5 इलेक्ट्रोलिटिक्स है तो मास ऑफ ए बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, मास ऑफ बी बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, मास ऑफ सी बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी, सो ऑन, उतना हमने लिखेंगे। मतलब कि जो मास होगा और जो इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होगा वह सेम होगा व्हेन क्यू इज सेम, दैट इज आई इन एम्पियर एंड टी इन सेकेंड इज सेम। मतलब कि यदि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया जाएगा तो हर एक इलेक्ट्रोलिटिक वेसल के हर एक में क्या कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। कहने का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा ही बात कर रहे हैं, दैट इज इन अदर वर्ड, इतना लिखने के बाद जो फैराडे नहीं बोल रहे हैं वो आप बोलिए, दैट इज इन अदर वर्ड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे टेल्स दैट, दैट इज इन अदर वर्ड। अब फैराडे बेचारे उतना पहले बोले तो अब आप उसको कुछ सुधारिए, है कि नहीं। दैट इज इन अदर वर्ड व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोन थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स देन डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल different electrolytic cell, then number of equivalent of substance deposited is same at each electrode, at each electrode। मतलब फैराडे बोला कि आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यदि आप सेम चार्ज देंगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी सेम मिले, बात समझ रहे हैं ना। तो फैराडे का सेकेंड लॉ को आप नया टर्म में कह सकते हैं कि सेम चार्ज सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तुम हम जितना खून दोगे उतने तुमको आज़ादी मिलेगा, बात समझे। तुम हमें खून दोगे हम तुम्हें आज़ादी देगा, सुने थे तुम, अब नियम होगा कि तुम जितना खून दोगे उतना आज़ादी मिलेगा, बात समझ रहे हैं ना। फैराडे लॉ सेकेंड लॉ यही कहता है, ध्यान से समझिए कि फैराडे सेकेंड लॉ कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज दीजिएगा उसी प्रोपोर्शनल में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, बात समझ रहे हैं। अब यहां पर लिखना है, सपोज W इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, W is the weight of substance deposited and E is the equivalent weight of that substance. That substance then the W by E then the ratio of W by E is constant at either electrode, किसी भी electrode पर, either electrode, and it is equal to I in ampere into T in second बटे 96500। ये बात बहुत important है क्योंकि ये चीज हम कहाँ से उतारे हैं, यहाँ से उतारे हैं। दैट इज, और बड़ा कीजिएगा, और थोड़ा बड़ा कीजिए, क्यू इन कूलम्ब एंड
एफ, और एक लाइन बढ़ा दी, फराट है। क्या हुआ, क्या बोले, दैट इज, क्या बोले बहु आपका कुछ, दैट इज डब्ल्यू बाई ई इज कॉन्स्टेंट। दिमाग यहीं रखिएगा तब दिक्कत नहीं होगा। और ये पहले हम डिराइव करके निकाले हुए हैं उसको यहां उतार दिए। कहने का मतलब है कि कोई पूछे कि कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी चीज का प्रोड्यूस होगा, इसी को आपने बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का निकालना हो तो आप क्या करिएगा कि कितना कूलम पास किए हैं उसको फराडे से डिवाइड कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। यही फराडे का सेकेंड लॉ, चार्ज को कूलम में, एफ को फराडे में, इन दोनों का रेशियो जो होगा वही बताएगा कि कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए, फराडे लॉ फॉर गैसियस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट। फराडे लॉ फॉर गैसियस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट, ये सब तो था इलेक्ट्रोलाइट जब सॉलिड हो, लिक्विड हो, मोल्टन स्टेट में हो। अब यदि हमको गैसियस प्रोडक्ट मिलता है, फराडे लॉ फॉर गैसियस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट, then in this case the volume of gas evolved, then in this case the volume of gas evolved depends upon equivalent volume of that gas। अब थोड़ा सा पीछे के बाद, पीछे हम लोग चलते हैं। हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन में गैसियस के केस में दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार आईटी में, एक बार मेडिकल में, तो हम उसको एक छोटा सा हेडिंग बना के आपको उस चीज से अवगत करा दें। अब हम पढ़ रहे हैं फराडे लॉ फॉर गैसियस सिस्टम। इसमें हम कह रहे हैं कि मान लिया जाए, इसमें हम कहे कि लेट वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड पर भी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, भी वॉल्यूम गैस का मान लिया बोले कि हाइड्रोजन का 5600 ml हुआ, ठीक है, और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है एट एसटीपी। आपको वो वॉल्यूम किस पर दिया हुआ है, एसटीपी। एसटीपी क्या है ये तो बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग सब समझते हैं। एसटीपी एक कंडीशन है जिस कंडीशन में हम गैस के वॉल्यूम को मेजर, जिस समय टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर, ये सब बताया हुआ बात है। मतलब कह रहा है कि, और कह रहा है वी नॉट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम, जैसे इक्विवेलेंट वेट होता है वैसे हर गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, भी द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी। मतलब यदि आपको कोई कहे कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम, कोई बच्चा इसमें है जो बता दे, यदि कोई कहे कि डिफाइन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, पहला चीज तो हमने इस टर्म को यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, जैसा कोई भी बता सकते हैं बात, आप इक्विवेलेंट वेट पढ़े हैं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम का। इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड
बाईपासिंग वन फराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक फराड इलेक्ट्रिसिटी के पासिंग करने से जो वॉल्यूम डिपॉजिट होता है लिबरेटेड होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, इक्वी। तो लिखिएगा यहाँ पर, लिखिएगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड एट एनी इलेक्ट्रोड, इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड एट एन इलेक्ट्रोड एट एसटीपी बाईपासिंग 96500 कूलम्ब और 1 फराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 96500 कूलम्ब और 1 फराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 फराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो वॉल्यूम लिबरेट होगा उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस गैस का क्या इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है, क्योंकि कंपटीशन के युग में सिंपल बात सब लोग जानते हैं। अब समझना है, जैसे कि आप कोई गैस बोलिए आप अपने पसंद से, या हम बोलते हैं एक साइड से बोलते जाते हैं, हम कहते हैं हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा, H2 गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा, कोई भी बच्चा बता सकता है? नहीं, 22.4 इज मोलर वॉल्यूम, ना कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब समझिए कि कैसे सर इस जवाब को हम सर कैसे दें। हाँ, आप कह रहे हैं कि सर आप बताए हुए हैं। देखिए, हाइड्रोजन कब रिलीज होगा, जब सिस्टम में H+ होगा, तो एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उससे एक H फ्री रेडिकल बनेगा, तो यदि वो दो H लेगा तब तो वो H2 प्रोड्यूस करेगा, तो एक H2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो एक मोल के लिए कितना लगेगा, 2 फैराड। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा, अब आपको समझ में आया? तो अब यहां से समझना है कि 2 फराड लगेगा तो 1 मोल H2 प्रोड्यूस होगा, वो 1 मोल H2 दैट इज 22.4 लीटर। तो आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम का भी डिफिनेशन लिखे हैं। इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, जब 1 फराड से कितना प्रोड्यूस होगा, तो 22.4/2। क्लियर हुआ बात? नहीं, सबको क्लियर नहीं हुआ, बात से नहीं लगा। देखिए फिर से समझिए कि हम जानते हैं कि H2 इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोड्यूस होगा जब H+ का रिडक्शन होगा, तो H+ के रिडक्शन से क्या होगा, हाफ H2, तो 2H+ के लिए आपको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तब तो एक H2 निकलेगा। तो आपको हम बताए हैं कि जो एक आयन के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने मोल के लिए उतना फराड चाहिए, मतलब 1 मोल H2 के प्रोडक्शन के लिए हमको 2 फराड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है एक से कितना होगा, तो 2 के लिए 1 मोल दैट इज 22.4 लीटर, तो 1 के लिए कितना, एक एक नियम तो लगल है। 2 आम का दाम 20 रुपया, तो 1 आम का दाम कितना, इतने बात तो हम बोल रहे हैं। तो ये चीज लिख लेना है, इतना ये चीज को लिखना है, बहुत भारी चीज नहीं है, बस आपको कंसंट्रेट करना है अपने पर्क में, ईमानदारी खोजता है। आप जिस उम्र में जी रहे हैं ना, इसमें दूसरे से बेईमानी करिए लेकिन अपने प्रति ईमानदार रहिए। हम नहीं कहते हैं कि हम महात्मा बुद्ध बन जाइए, लेकिन अपने तरफ कम से कम ईमानदार रहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध बोलना बहुत आसान है, बनना बहुत टफ है कि नहीं? बोल देना किसी को। चलिए, एक बच्चा ने जवाब दिया है, ये चीज समझ में आया? अब हम जैसा देखते हैं किसका IQ कितना है, ध्यान से इतना लिखा गया होगा तब हम लिखेंगे। इधर हाइड्रोजन के बाद सीधे नीचे उतरते जाइए, कौन गैस मिलेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा बताइए, तो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वॉल्यूम फॉर N2 गैस। थकिएगा तो बोलिएगा, बीच में इंटरवल देंगे 10 मिनट का, 10 मिनट आप लोग टहल फूल के तो आइएगा, पढ़ना लेबर वाला काम नहीं है, इसमें कि कहते हैं इंटरवल भी जरूरी है।
जब आपको लगे कि आप था छोड़ दीजिए सर, तो छोड़ दीजिए, हो गया सब लोग सब कर चलिए। देखिए हमको क्या बनाना है, नाइट्रोजन गैस। हमको क्या बनाना है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते हैं तो मेटल नाइट्राइट होता है, मेटल नाइट्रेट होता है, यही सब होता है, बात समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या जाएगा, नाइट्रेट नाइट्राइट रहेगा। तो आप गौर कीजिए कि नाइट्रोजन का वहाँ पर NO3 माइनस है, तो नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट डिस्ट्राइड होता है कि देखिए नाइट्रोजन मान लिया जाए इस स्टेट में है, अब ये N2 में कन्वर्ट हो रहा है। मान लिया जाए ये नाइट्रोजन जनरली हाइड्रोजन के साथ रहता है तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हाइड्राइट नाइट्राइट जब रहेगा, समझ गए। तो यहाँ से ये गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या मिलेगा, हाफ N2। तो नाइट्रोजन ध्यान से समझिए कि नाइट्रोजन को यदि आप इधर 2 से गुना करिएगा तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, तब ये N2 बनेगा। मतलब हम कह रहे हैं कि वन मोल ऑफ N2 इज प्रोड्यूस्ड, ध्यान से समझिएगा, प्रोड्यूस्ड व्हेन 6 × 3 मतलब 6e × NA इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। और इसी 6 × NA को आप क्या कहते हैं, 6 फैराड। मतलब आप देख रहे हैं कि 6 फैराड यूज होगा तो उससे नाइट्रोजन का कितना बनेगा, बोलिए 1 मोल। तो आपका डिफिनेशन क्या कहता है, बोलिए 1 फैराड के लिए, या इसको लिख सकते हैं 6 फैराड से आपका कितना 1 मोल किसी भी चीज़ का होगा तो 22.4 लीटर उसी चीज़ का। तो यहाँ से 1 फैराड के लिए कितना हो जाएगा, बोलिए 22.4 / 6, 22.4 को 6 से डिवाइड कीजिए कितना होता है, 3.4 लीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दिस इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नीचे बात करते हैं, ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, ऑक्सीजन वाला तो परीक्षा में पूछा भी हुआ। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, लिखते जाइएगा कितना आएगा। हाँ सही बताया, वेरी गुड। अच्छा रुक जाते नहीं, देखते देखिए जब इलेक्ट्रोलिसिस के केस में ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, क्या हो गया, ऑक्साइड कोई बोल रहा है तो O/2-, ऑक्साइड बोल रहा है तो O/2-, यदि कोई पर ऑक्साइड बोलता है, पर ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, बोलिए O2/2-, यदि कोई सुपर ऑक्साइड बोलता है इसका मतलब क्या हो गया, O2/1-, तीनों चीज के बीच में अंतर पहले तो समझिए, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। तो जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस में जो ऑक्सीजन होता है वो मोस्टली क्या 100% जो होता है वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि देखिए ऑक्साइड है, यही हमारा ऑक्साइड आयन है, तो ऑक्साइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इससे आपको 1 ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ध्यान से समझिए, लेकिन इससे बस 1 ऑक्सीजन मिला तो आपको 2 ऑक्साइड आयन लेना पड़ेगा, तब आपको O2 मिलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो 1 मोल, ध्यान से समझिए, 1 मोल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, नहीं 1 मॉलिक्यूल, पहले तो 1 मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 मोल O2 के लिए क्या होगा, बोलिए 4 फैराड, बात समझ रहे हैं कि नहीं, 4 फैराड रिक्वायर्ड होगा। तो हम यहाँ से अब समझ गए कि 4 फैराड से हमको कितना मिलेगा, 1 मोल, दैट इज 22.4 लीटर। बढ़िया से लिख देते हैं, जगह थोड़ा सा कम गया, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से हम क्या देखे कि 4 फैराड से हमको 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट STP मिलेगा, तो 1 फैराड से हमको क्या मिलेगा, 1/4 मोल ऑफ
ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, तो 1/4 एक मोल का वॉल्यूम ऑक्सीजन का 22.4 होता है, 5.6 लीटर एट एसटीपी। हमको लगता है आप समझ गए होंगे, समझे कि उसके प्रोडक्शन में एक आयन के लिए जितना इलेक्ट्रॉन, एक मोल के लिए उतना फराट, इतना बस ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? इस सब बात को लिखिएगा, भूलना नहीं है। कोई यहाँ नाइट्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के नीचे कोई गैस बताइए। हाँ, बताइए, कोई गैस बोलिएगा तब ना भैया, कोई एग्जाम्पल देते जाएंगे तब ना। चलिए क्लोरीन गैस का बताइए, तो सबको मिल रहा होगा। क्लोरीन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम बताइए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस? वेरी गुड, एकदम सही बताया, एकदम तुरंत बता दिया, वेरी गुड। जैसे क्लोरीन कहाँ से बनेगा, जब Cl- माइनस है तो Cl- माइनस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ लेगा नहीं, Cl- माइनस है तो ये Cl प्लस इलेक्ट्रॉन है, तो जब तक दो Cl- माइनस है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल CO2 बनाने के लिए, एक मोल CO2 Cl2 बनने के लिए, ध्यान से समझिए, बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन के जगह हम क्या लिखे हैं, दो फराट चाहिए, क्योंकि मोल के लिए, ये तो एक आयन के लिए हुआ, एक मोल के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या हो जाता है, फराट में लिखाता है, रिलीज। तो दो फराट से आपका मिल रहा है एक मोल, और एक मोल को क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, 22.4 लीटर। तो एक फराट से जो निकलता है वही उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तब 22.4/2 11.2। इतना बात समझ में आ गया, कहीं भी पूछने लगाना है। जैसे लिक्विड, ये जैसे कोई गैस होगा बउआ, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस तो उसका भी लिक्विड होगा, प्रोडक्ट गैसेस हो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट गैसेस हो, तो हाँ लड़का को मास सोचता है, तो मास से सोचा गलत हो जाएगा, इसीलिए प्रोडक्ट गैसेस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस तो जब भी किसी चीज का होगा तो मोल्टन या एक्वेशियम होगा, बात समझे, प्रोडक्ट गैसियस हो, आप सुधार लीजिए हेडिंग में कि व्हेन गैसियस प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस तो होगा सबका मोल्टन या एक्वस फेज में ही, प्रोडक्ट। अब दो तीन क्वेश्चन बेसिक्स आपसे पूछेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई गैस का आप निकाल लीजिएगा, हमको पता है इसे, अब कंसेप्ट समझ गए ना, अब एक ही चीज पर कितना बार बार बोलते रहे, समझे, लिखिएगा पहला क्वेश्चन। थ्योरी जो था इसमें इतना ही था, फैराडे लॉ में क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 0.2 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम FeSO4। कह रहा है कि FeSO4 से 0.2 मोल आयरन प्रोड्यूस करने के लिए कितना फराट का रिक्वायरमेंट होगा। देखिए FeSO4 में Fe किस स्टेट में है, क्योंकि आप जानते हैं सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, इसका मतलब तो Fe से आयरन प्रोड्यूस करना, ध्यान से समझिए, पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं, अगला से आप लोग बताइए, ध्यान इधर रखिए कि Fe+2, FeSO4 में Fe कहाँ पर है, Fe+2 स्टेट में, तो इससे हमको दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या होगा Fe, तो एक मोल प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एक मोल है फिर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इंटू Na हो जाएगा, तब हमको क्या मिलेगा बोलिए, 1 मोल ऑफ Fe, बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक ये एक आयन हुआ, अब हम कह रहे हैं एक मोल ऑफ Fe आयन लगेगा, तो हाँ यहाँ, और इसी को आप क्या कहते हैं, 2 फराड, इतने को आप F लिखते हैं, वहीं से आपको क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ Fe, तो हम देख रहे हैं कि एक मोल Fe के लिए बोलिए 2 फराड चाहिए, 2 फराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 0.2 मोल के लिए कितना चाहिए, 0.2 मोल के लिए कितना चाहिए बोलिए, 0.2 इंटू 2 फराड, दैट इज 0.4 फराड इज द आंसर। क्लियर है बुआ,
चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मैनी फराड इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 0.4 मोल ऑफ MnO4 माइनस फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 0.4 मोल ऑफ MnO4 माइनस जीरो, ध्यान से लिखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 0.4 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस MnO4 प्लस से किस पे जा रहा है, Mn2 प्लस। MnO4 प्लस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है ये तो आप लोग सब जानते होंगे, हमको जैसा लगता है, और इससे Mn2 प्लस में जा रहा है, मतलब कि MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में जाएगा, Mn2 प्लस में। तो ये एक आयन के लिए हुआ, तो 1 मोल ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड, जहाँ मोल लिख दिया तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के जगह क्या लिखाएगा, 5 फराड फॉर 1 मोल ऑफ Mn2 प्लस, बस यही टेक्निक है। तो कितना हमको किसका वजन दिया हुआ है बोलिए, MnO4 माइनस करना है कि 0.2 मोल किसका दिया हुआ है, हाँ 0.4 मोल, तो 1 मोल MnO4 माइनस के लिए आपको कितना चाहिए बोलिए, 5 फराड, तो 0.4 मोल के लिए कितना चाहिए, तो 0.4 इंटू 5 फराड दैट इज 2 फराड। ये सिर्फ एक आदमी का आंसर है। चलिए लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन, लिखिएगा हाउ मैनी फराड आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी फराड आर रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl, हाउ मैनी फराड आर रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, बनाइए। हाँ, अब देखिए यहां पर समझना होगा कि NaCl जो है, जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस कीजिएगा तो ये किस में टूटेगा बोलिए, Na प्लस और Cl माइनस में। और ये देखिए कि कुछ बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाता है कि इलेक्ट्रॉन सर एक फराड इधर भी चाहिए एक फराड इधर भी चाहिए, वो बात गलत है, क्योंकि यहीं का इलेक्ट्रॉन वहाँ यूज होगा, कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। जैसे कहीं मोटर कोई पानी नहीं रखता है, वो तो कहीं पानी को उठा के दूसरे जगह डालता है, उसी तरह बैटरी का काम है। बैटरी क्या करता है कि अपने इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन खींचता है और दूसरे से देता है। जैसे कोई मोटर लगाते हैं तो मोटर से पानी होता है, वो कहीं का पानी उठा के आपको कहीं देता है। ये जो बैटरी है वो भी वही चीज़ का नाम है, समझे। बैटरी क्या करता है कि अपने पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को खींच के और अपने निगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन को देता है, और चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिंचाया तो जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खिंचाता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या हो जाता है, बात समझ रहे हैं ना, बात कि जिस तरह मोटर कहीं कोई पानी नहीं रखता है उसी तरह। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकलेगा वही यहाँ यूज होगा। तो पूरे NaCl में Na प्लस, ध्यान से समझिएगा, Na प्लस को भी एक आयन के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक मोल के लिए कितना चाहिए बोलिए, 1 फराड, एक आयन के लिए जितना इलेक्ट्रॉन एक मोल के लिए उतना, तो वो फराड जितना इधर भी और उधर दोनों जगह यूज होगा, कि वही Cl माइनस हाफ Cl2 बनेगा। अब इसी क्वेश्चन में कह देता, ध्यान से समझिए क्वेश्चन में, देखिए थोड़ा सा बदलते हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, हाउ मैनी फराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
वन मोल ऑफ क्लोरीन गैस या 22.4 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपी। वन मोल ऑफ क्लोरीन गैस पूछे या पूछ दे 22.4 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपी। तब यहां पर देखिए कि यहां पर सीएल माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो एक सीएल माइनस से आपको हाफ ही सीएल टू मिलेगा, इसलिए टू सीएल माइनस लिखिएगा तब तो सीएल टू मिलेगा। बात समझ रहे ना, तब ये एक मोल हुआ तो इसका मतलब कि 2Cl- के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो आपको 2 मोल ऑफ Cl- लेना पड़ेगा तब तो आपको 1 मोल Cl2 मिलेगा। 1 मोल Cl2 तो मोल जैसी लगा इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैराड में। तो 1 मोल Cl2 के लिए कितना फैराड रिलीज होगा तो आपको कितना होगा, बात समझे कि नहीं। Cl2 बनेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो इस चीज़ को एकदम समझ समझ के चलना। लिखिएगा द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरीड आउट बाईपासिंग 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इन नाइन पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन टू द पावर फोर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा हुआ है 2008 में। याद कीजिए कि जब ये NaCl molten था, इस बार NaCl aqueous है तो यहाँ एक और उम्मीदवार बढ़ गया, क्या H प्लस और OH माइनस। अब हर जगह दो कैंडिडेट, यहाँ पर भी क्या है दो कैंडिडेट। तो इसमें सिखाए थे आपको ट्रिक सिखाए थे दोनों का, किसको चुनना है, कौन सुयोग्य उम्मीदवार है। जब दो उम्मीदवार होगा तो उसमें चेक का होगा ना भैया कि कौन सुयोग्य उम्मीदवार है, कौन उम्मीदवार था। तो अब देखिए आपको हम सिखाए थे कि जब NaCl aqueous का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पर कंपटीशन है, कैथोड पर दो दो आयन प्रेजेंट है Na प्लस और H प्लस। तो H प्लस से पहले वही आयन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, किसका Hg का, Au का, बोलिए किसका किसका, Hg का, Au का और क्या, VIP कैटायन में सबका नाम बताए थे, Ag का और क्या नाम बताए थे, प्लैटिनम का और क्या बताए थे। तो ये सब वीआईपी ग्रुप का, क्या वीआईपी ग्रुप का ये मेंबर है, Na प्लस नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन होगा H प्लस का। H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और हाफ H2 बनेगा या 2H प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बनेगा। बात समझे कि नहीं। अब यहां हम देख रहे हैं कि कितना H2 प्रोड्यूस होगा, हमसे यही पूछा है। तो हमको कितना H2 प्रोड्यूस होगा और उसके लिए हमको करंट दिया है 10 मिली एम्पियर। ध्यान से समझिए, हमको करंट दिया हुआ है 10 मिली, मिली का मतलब 10^-3 एम्पियर। बहुत आदमी अपना नाम मिली रखता है, मतलब आदमी इंटू 10^-3 हेमी रखा, आदमी इंटू 10^2 आदमी डायरेक्ट हाफ नहीं कर सकता है उसको, इसलिए मजाक में नाम में रख दिया है हेमी। हेमी का मतलब क्या होता है समझे, मिली कहा तो क्या कहा, 10^ मतलब आदमी इंटू 10^-3 मतलब पूरा आदमी नहीं है। तो इसी तरह हुआ, इतना मिली एम्पियर। तो ये क्या हुआ, करंट आई
टाइम इन सेकेंड हमको चाहिए, तो टाइम है 9.65 × 10⁴। ध्यान से समझिए, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो इधर कितना बचा, 10⁻², यहाँ बचा 6, 9.65 × 10⁴, दैट इज 9.6500। चलाकी देखिए क्वेश्चन बनाने वाला का, एक्चुअल में वो चीज बोलने के बदले कितना घुमा के बोला, इतने 9.65 कूलम से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मोल, क्या कह रहे हैं कि 2 फराड से हमको कितना मिलेगा, बोलिए, 1 मोल ऑफ H2, दैट इज क्या लिखे, 22.4 लीटर ऑफ H2। तो आपको इतना कूलम को आप क्या लिख सकते हैं, और एक सेकंड ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर 9 पॉइंट है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 2 शून्य आगे बढ़ेगा ना, हाँ, तो यहाँ पर इतना कूलम्ब है, तो मतलब क्या हम कह सकते हैं 2 × 9.6500 कूलम्ब से कितना मिल रहा है, 22.4 लीटर से, तो एक से कितना मिलेगा, 22.4 × 9.6500, इसलिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये × 10⁻ कितना बचेगा, माइनस, और इधर का कितना बचेगा, देखिए ये +2 है ना बचल, देखिए 10⁻², इधर बचेगा, देखिए 10 × 10⁻³, और इधर 4, तो पूरा कितना बचा, बोलिए यहाँ पर लिख देते हैं +2, तो ये हो जाएगा 9.65 के लिए कितना बचेगा, तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9.65 / 2 × 9.6500। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ये वाला चीज जो होगा वो हो जाएगा क्या, 11.2, और नीचे में कितना बच जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.112 ml एट STP, या ml में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 112 ml एट STP। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया बात, एकदम सतर्क होकर बनाइएगा, बार बार घर पर जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना होता है, ये चीज को ध्यान से लिखना है। फिर से समझाते हैं, कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर बताते हैं। हमको इसमें क्या दिया था, करंट दिया था और टाइम क्या दिया था, कितना देर के लिए समय दिया था, तो इतना एम्पियर इतना सेकंड के लिए था, तो इससे हम क्या निकाल लिए, चार्ज निकाल लिए, चार्ज हमको कितना आ गया, बोलिए, इसको 0.05 हो जाएगा कितना, 9.65 कूलम्ब। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस से कि 2 फराड से 1 मोल H2 प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 22.4 लीटर, किसी भी गैस का 1 मोल STP पर कितना बराबर होता है, 22.4 लीटर, तो 2 फराड को क्योंकि हमको चूंकि कूलम्ब में दिया हुआ है तो इसको हम भी क्या बना दिए, कूलम्ब में, 9.6500 से इतना कूलम्ब, तो एक से कितना निकलेगा, तो इतना कूलम्ब से कितना निकलेगा, यही काम किए, तो आंसर आपका आ जाएगा 112 ml या 0.112 लीटर। ठीक है, ठीक है, आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ तो आप फर्स्ट जिसके लिए रहे उसके लिए अप्लाई करके देखिए कि आप कितना उसमें सही बना करना है। ठीक है, आते हैं एक साइड से बताते हैं आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, लिखिएगा, 2014 का नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड the time required to produce 0.10 mole of chlorine gas 0.10 mole of chlorine gas 0.10 mole of chlorine gas using a current of 30 ampere using a current of 30 को 3 कर दीजिए 3 एम्पियर इज using a current of 3 एम्पियर इज using a current of 3 एम्पियर इज चार चॉइस है पहला चॉइस दिया हुआ है 55
मिनट्स, दूसरा चॉइस है 110 मिनट्स, तीसरा चॉइस है 220 मिनट्स, चौथा चॉइस है 300। कह रहा मोल्टेन NaCl है, तो मोल्टेन है तो H प्लस OH माइनस क्या हुआ, खत्म हो गया। मोल्टेन में तो H प्लस होता नहीं है, OH माइनस तो होता नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कितना क्लोरीन गैस बनाना है, वो है 0.10 मोल ऑफ Cl2 गैस, 0.10 मोल क्लोरीन गैस। तो आप देखते हैं, आप याद कीजिए कि एक मोल Cl2 बनाने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 × Na दैट इज 2 फैराड। तो हम देख रहे हैं कि एक मोल Cl2 गैस के लिए हमको चाहिए 2 फैराड या 2 × 96500 कूलम। तो 0. कितना क्वेश्चन में, 0.10 के लिए हमको क्या चाहिए, 0.10 × 2 × 96500 कूलम। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं भी जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, I in ampere × t in second। इसलिए t in second कितना हो जाएगा बोलिए, 0.10 × 2 × 96500 डिवाइडेड बाय I ampere में कितना है क्वेश्चन में, 3 ampere। अब इतना निकल गया, लेकिन ये सेकेंड में है। यदि टाइम इन मिनट्स बोलेगा तो क्या करेंगे, सेम चीज रहेगा। ज़्यादा तुरंत गुना भाग करना शुरू नहीं कीजिए, अपने आप मौका दीजिए, बटे क्या कर देंगे 60। कैलकुलेशन कर लीजिए, 30 × 6 = 18। कैलकुलेशन करिए कितना सेकेंड चाहिए मिनट्स में, अब कैलकुलेट कर लीजिए। टाइम इन मिनट्स हमसे पूछ रहा था तो इतना मिनट आएगा। कैलकुलेटर आपके पास है तो कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड लिखल है, डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट ऑफ 1 ampere in 10 second is the number of electron delivered at cathode during electrolysis by a current of 1 ampere in 60 second is, 60 second लिखे हैं उसको 60 कर लीजिए, तो ऊपर वाला में ही था 10, नीचे वाला जो दिया वो 60 second is, 60 सुधार लीजिए, ठीक है, 60 second is। क्वेश्चन में नहीं है, कह क्या ऑप्शन दे दे, लिख लीजिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ इस क्वेश्चन में 6 × 10²। दूसरा ऑप्शन है 6 × 10²। तीसरा है 3.75 × 10²। चौथा है 7.48 × 10²। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा होगा कि नहीं क्या पूछ दिया है, नहीं पूछ दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए, ये
करंट के जो टीचर पढ़ाते हैं वो पहला लाइन यही पढ़ाते होंगे, इसमें खाली इलेक्ट्रोलिसिस का नाम लिखा हुआ है और कुछ इलेक्ट्रोलिसिस से इसको मतलब नहीं। देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड, कितना डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉन बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट यदि 1 एम्पियर का है, 1 एम्पियर का है, 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है? हाँ 1 एम्पियर, अब 4 कितना लिखा है, 60 सेकेंड, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर कितना हो गया बोलिए, 60 कूलम्ब। ध्यान से समझिएगा, 60 कूलम्ब, 16 कूलम्ब के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ होगा बोलिए, तो क्या होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोलिए, तो यहीं से बोलिए, यहीं पे बोलिए, नंबर ऑफ कूलम्ब 60 कूलम्ब बटे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट से हम चलते हैं, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 60, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, अभी तुरंत बताया था कितना चार्ज होता है, -19 कूलम्ब। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 60 को 1.36 से, तो वो आ जाएगा आपका 3.75 इंटू 10 टू द पावर 20 कूलम्ब। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, बस आपके कॉमन सेंस को चेक करता है कि लड़का के पास खाली किताबें नहीं पढ़ाए ना, अपना दिमाग भी रखता है कि नहीं। क्या कहा कि 1 एम्पियर करंट 60 सेकेंड के लिए पास किया, मतलब इतना चार्ज पास किया, तो इतना चार्ज पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो अपने भर चार्ज ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर डिफरेंस क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कितना ले जाता है और कितना इलेक्ट्रॉन है, दोनों को गुना कर देंगे तो इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमको ये चाहिए, ये हमको दिया हुआ है, तो ये लिखना होगा, ये दोनों इक्वल है, तो ये जब लिखेंगे क्या होगा, 60 बटे ये क्या आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये सब इक्वल है, दिख रहा है आपको, इक्वल साइन दिया हुआ है, तो जब ये बड़ा होगा तो इसको क्या होगा, इसके बदले नीचे आ जाना पड़ेगा। क्लियर है ना बात, क्या नहीं नंबर, तो नंबर ओ नंबर है, अच्छा इतना इलेक्ट्रॉन, नंबर तो नंबर, नंबर में क्या, आप ही बोल रहे हैं नंबर है, तो नंबर तो नंबर है, वैसा क्या है। चलिए हो गया, अब इसी से पता चल गया कि मेडिकल में कितना लेवल का क्वेश्चन आता है, पता चल रहा है ना, ये भी हम पीछे से नहीं बता रहे, आगे से ही बता, 16 अब 16 से 14 15 13 नीचे उतर रहा है, क्योंकि जो टफ होता है तो जितना है मॉडर्न है वही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन 14 पर अब पहुंच रहे हैं, व्हेन, ये दोनों 16 का था समझे कि नहीं, व्हेन 0.1 मोल 0.1 मोल ऑफ MnO4 2- आयन MnO4 2- आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू, ऑक्सीडाइज्ड टू, इसको ऑक्सीडाइज करके किस पर बनाया गया, MnO4- आयन, then the quantity of electricity required in coulomb will be, then the quantity of electricity required in coulomb will be, आपको बताना है कि कितना कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो। बहुत सुंदर क्वेश्चन, ये चार्ट चॉइस से आप लोग चॉइस का आदत होता है,
इसलिए हम चॉइस भी दे दिए। ये चारों में से कौन आपका चॉइस है आप बताइए। एक दो तीन चार कर दिए हैं। तनिषा तुमको वीडियो भेजे थे, तुमको देखी थी कल वाला परसों वाला? नहीं, मोबाइल नहीं रखती हो पास में कि दूसरा रखती हो? अच्छा, हाई करना तो उससे जो तुम्हारे पास रहता उस पर भेजेंगे। मेरा नंबर तो वही है 7611। चलिए बताइए जल्दी। कितना? 3 सेकंड। ठीक, आपका जवाब है विनीत। विनीत, सेकंड होगा? ठीक, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल कह रहा है, MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भैया? MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। और ये ऑक्सीडाइज होकर कि रिड्यूस हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज होकर किस पे बना गया है? MnO4 माइनस, ये क्या है? +7। यहाँ तक मेरी दिक्कत है तब फिर कोई बात नहीं हो सकता है। ये आयन है, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन है +6 से +7। ठीक है, यहाँ तक मेरी दिक्कत है तब फिर कोई बात नहीं। पहले यहाँ तक समझिए कि ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन +6 से +7 गया है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज हुआ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 0.1 मोल किसका? हाँ हाँ, 0.1 मोल। तो एक मोल के लिए, समझिए बात, एक मोल के लिए आपको कितना चाहिए? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही आप क्या कहते हैं? 96500 कूलम। तो हमको कितना है? 0.1 मोल के लिए है तो कितना हो जाएगा बोलिए? 0.1 × 96500 कूलम। बस इतना ही तो करना है, एक जीरो कम हो जाएगा, 9650 कूलम। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तब कैसे आप लोग को बी आ रहा था? अच्छा, गलती बोल दिए थे। ठीक ठीक, लिखाए थे, लिख लिए थे वो, हमको लगा कि हम, चलिए ठीक, समझ गया है ना बात, आगे से गलती नहीं होना चाहिए। जैसे एक चीज हम देखें, यदि आपसे कुछ गलती होता है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो अगला बार से तो सतर्क रहिएगा, समझ रहे? और अपना गलती से दूसरे को झूठलाइएगा तो अगला बार फिर गलती होगा, इसलिए एकदम सतर्क होना है। चलिए, हमने अपने जीवन में जो गलती किया है तो उसमें हम लोग ये गौर किए कि जहाँ पर हम गलत थे वहाँ पर हम समझे कि हम गलत थे, हम अपने आप को सुधार करना चाहिए। अरे तो अपने से गलती से दूसरे को ठगे हैं तो फिर गलती हुआ, सेम गलती होता है, नहीं समझे? तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, लिखिएगा, द वेट ऑफ सिल्वर हैविंग एटॉमिक वेट 108 डिपॉजिटेड बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस और लिब्रेट्स 5600 ml ऑफ O2 गैस एट STP, 5600 ml ऑफ O2 गैस एट STP विल बी। बनाइए आप लोग सब। अच्छा, द वेट ऑफ सिल्वर
deposited by a quantity of electricity which displaces or liberates 5600 ml of O2 gas at STP will be. Hey, yahan question hai. Will be. चलिए बिल भी चॉइस लिख देते हैं, चार चॉइस भी दिया हुआ है। फाइव किसका, उसका 108, दूसरा है 20। को हिंदी में समझिए, बताता है कि सिल्वर का क्या वेट डिपॉजिट होगा उतने करंट से जिस करंट से 5600 ml ऑक्सीजन लिबरेट होगा। मतलब कि वह अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसके द्वारा आप ऑक्सीजन का 5600 ml प्रोड्यूस करते हैं उससे सिल्वर का क्या वेट डिपॉजिट होगा। तो अभी आप 2 मिनट पहले हम एक कंसेप्ट सिखाए थे, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम। वहाँ से हम देखे थे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वॉल्यूम बटे इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम बटे इक्विवेलेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए, 5600 कितना दिया हुआ, 5600 और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट कितना होता है 5600। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो गया बोलिए, 1। इक्विवेलेंट कब प्रोड्यूस होगा, जब 1 फराड प्रोड्यूस होगा, और 1 फराड से किसी चीज का इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है तो सिल्वर भी इतने 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। कुछ क्वेश्चन है पढ़ते पढ़ते आंसर हो गया, बनाना चाहिए ही नहीं। यदि आपको हम जितना बात बताए हैं उसको यदि समझे हैं तो यहाँ से उसके वॉल्यूम बटे इक्विवेलेंट डिवाइड करके पता चल गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और आपको फैराडे लॉ यही बताता है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी सेम है सेकंड लॉ फैराडे का, तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट बटे एक, सिल्वर एजी प्लस पर एग्जिस्ट करता है तो वो भी क्या हो जाएगा, बनाने का कोई जरूरत नहीं, वेट बटे वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर वन है कि नहीं। क्वेश्चन यदि आपका दिमाग तेज है क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर लिख दीजिएगा। हम तो क्वेश्चन पढ़ ही रहे थे, ऐसा थोड़े थे कि बना रहे थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्वेश्चन पढ़ा। तो हम वहां से वॉल्यूम को इक्विवेलेंट वॉल्यूम से निकाल लिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितना इक्विवेलेंट इसका प्रोड्यूस होगा उसका भी उतना इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा। तो आंसर नंबर कितना आ गया, 108। किधर है 108, है नीचे में 108। आंसर मिला भी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। हम तो चाहते हैं कि एकदम एकदम सही 108। चलिए चलिए उसके बाद लिखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट टू लिखल है, इस तरह से लिखा हुआ है, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट टू, कोबाल्ट टू क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर for 109 minutes, given that atomic mass of cobalt is
59 MU. चॉइस भी दिया हुआ है, चॉइस दे देते हैं. चॉइस दिया हुआ है इसमें पहला 4.0, चॉइस नंबर दूसरा 20.0, 40.0, 0.66. बताइए. देखिए इसको हम कम समय में बनाना सिखाते हैं. बना तो आप लीजिएगा, लेकिन 25 मिनट में बनाइएगा तो बनाने का कोई मतलब नहीं है. उससे अच्छा नहीं बनाते तो ज़्यादा अच्छा. अब इस क्वेश्चन में हमको किया है कि कोबाल्ट 2 क्लोराइड, मतलब कि जो कोबाल्ट है वो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इससे ये कोबाल्ट बन रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख लिए कि 1 मोल हमको यदि कोबाल्ट चाहिए तो हमको 2 फैराड चाहिए. ठीक है, बस हमको हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट, मतलब हम कह रहे हैं कि 2 फैराड यदि हमारे पास होता, दैट इज 2 फैराड, दैट इज 2 × 96500 कूलम्ब यदि होता तो हमको कोबाल्ट का कितना मिलता बताइए तो 59 MU. कितना मिलता है? 59 ग्राम. MU तो एटॉमिक वेट होता है, ग्राम एटॉमिक वेट होगा तो ग्राम लग जाएगा. तो 1 कूलम्ब से कितना मिलेगा? तो 59/2 × 96500. तो हमको चार्ज कितना दिया हुआ है? हाँ, चार्ज दिया हुआ है, देखिए 10 एम्पियर. हर बढ़ाइए नहीं, 60 × 60 मिनट दिया हुआ था, 60 मिनट, 10 एम्पियर फॉर 109 मिनट से, नहीं 109 मिनट से. तो इतना देखिएगा, इतना मिनट को हम सेकेंड में बदल दिए तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 59 × 10 × 60 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बोलिए, 2 × 96500. 107 ये खत्म हो गया, बस काट दीजिए. अब इतना ही काम है, फटाक से कैलकुलेट कर लीजिए. एकदम इतना सिंपल है. अब गुना भाग अपना करिए, कितना हो जल्दी. गुना भी तो बिना किए हुए आंसर दे सकते हैं. गुना एग्जैक्ट काटने का कोई जरूरत नहीं है. ये है लगभग 9 मरते में कटेगा, 9 मरते में इधर कट गया, 9 × 2 = 18 हो गया, बस हो गया, आंसर आ गया. कि ये देखिए कैसे काटना है, इसका टेक्निक समझिए. ये 9 है, ये 9 मर्द में लगभग कट जाएगा, 9 इधर हो गया, 9 × 2 = 18 हो गया. 60 को 18 से डिवाइड करिएगा तो ये एक तरह से आपका कितना हो जाएगा, 59 × 5 नीचे में कितना हो गया, 9 × 2 × 9. तो ये बिना गुना भाग किए हुए बता सकते हैं. ऊपर में आपका कितना हो जाएगा बोलिए, 30 × 150 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आता है बोलिए तो. कैलकुलेटर यूज करिए, फटाक से बताइए हमको एग्जैक्ट आंसर. कितना आया जल्दी बताइए भाई, इतना देर करिए तो हुआ. लाइए लंबा कर देते ही बना देते. ये कितना हो जाएगा हमारा, 59 × 109 = 45, ये हो जाएगा 2 × 965. ठीक है, कितना बार में गुना हुआ, किए कितना हुआ, नहीं किए आ चल रहा है. एटॉमिक वेट का मतलब होता है एएमयू में, अब मोलर मास 1 केल का जितना एएमयू है उतना ही ग्राम में हो जाता है. 1 मोल सीयू का वेट कितना, 1 एटम का वेट जितना एएमयू में होता है 1 मोल का उतना ही ग्राम होता है. 1 एटम का वेट यदि एएमयू में जितना होता है, दिया हुआ है इतना एएमयू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा, उतना ग्राम हो जाएगा. ये तो बात बताए हुए क्लास में कि यदि एटॉमिक वेट किसी का एक्स है तो 1 एटम का जितना एएमयू में होगा 1 मोल का मास उतना ही ग्राम में होगा. नहीं समझे, देखिए देखिए ध्यान दे दीजिए कि यदि कोई एटम है, समझिए बात, मान लीजिए कोई एटम है, जैसे कि इसी का एग्जांपल लीजिए कोबाल्ट का है. कोबाल्ट का 1 एटम का वजन
आपने बताया 59 AMU, तो एक मोल कोबाल्ट क्या हो जाएगा, 59 × 1 AMU, ध्यान से समझिएगा, AMU × NA, ये वजन होगा। और आपको हम सखा सीखा थे कि 1 AMU कुछ नहीं होता है, 1 g/NA होता है, इस NA से ये NA कट गया है 59 g, मतलब कि एटॉमिक वेट जितना AMU में होगा, ग्राम एटॉमिक वेट उतना ही ग्राम, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप खुद अभी नहीं पढ़े, न्यू कमर है, पहले अभी 2-4 दिन आया हुआ है, सब आ जाएगा। हमने बताया कि जैसे कि देखिए CO2 का एक आयन के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए क्या होगा, 2 फराड, तो 1 मोल का वजन कितना हो जाएगा, समझे, हमको मॉलिक्यूलर वेट एटम का ही ग्राम एटॉमिक वेट से कैलकुलेट किए। क्या कूलम में, तो आपको कूलम में मैंने पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, वेट पूछ रहा था, ठीक है, तो इतना समझिए, इतना समझ गए ना, हमने यहाँ पर समझ गए, अब समझिए, इतना बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता चल गया कि हमको वेट डिपोजिट निकालना, जो भी निकालना होता है उसको इस साइड में लिखेगा, तो लिखेंगे कितना, 59 g ऑफ CO इज डिपोजिटेड बाई कितना, बाय कितना हो रहा है, देखिए 2 × 96500 कूलम, मतलब 2 × 96500 कूलम रहता तो हमको 59 g किसका मिलता, कोबाल्ट का, तो 1 कूलम से हमको कितना मिलता है, 59 × 2 × 96500 कूलम, तो आपको कितना कूलम दिया है, देखिए नंबर ऑफ कूलम एम क्या बनता है, एम्पियर 10 × 109, 109 क्यों लिखे हैं, 109 मिनट दिया है, ये तो एम्पियर है, हमको सेकंड चाहिए, × 60। आपको डाउट कहाँ हुआ ये बताइए, आप तो समझ जाना चाहिए, तो कितना वेट डिपोजिट होगा हमको निकल जाएगा ना, ये इतना ग्राम, तो ये भी जो निकलेगा वो ग्राम में निकलेगा, क्या अब समझ में आया। अरे भाई हम यहाँ से ये सीखे कि हमको 2 फराड रहता तो 1 मोल डिपोजिट होता, तो 2 × फराड को हम कूलम में लिखेंगे, तो 2 × 96500 से 1 मोल, दैट इज 59 g, ठीक है, तो 1 कूलम से कितना होगा, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 एम्पियर फॉर 109 मिनट, तो उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको कूलम आएगा तभी जब एम्पियर को सेकेंड से गुना करेंगे, तो इतना से कितना डिपोजिट होगा यही निकालना है। अब इसको क्या कहते हैं, गुना भाग करिए, क्वेश्चन नंबर कितना था देख लीजिए, गुना भाग आप कीजिए, और क्या कितना आया, 2 शून्य खत्म हो गया। अब हमारे पास ऊपर में 59 है और इधर 109 है, 109 × 45, ये मोटा मोटी हमको लगता है 9 बार में कटेगा, 9.1 लिखिए या उससे भी कम होगा, तो ऊपर में आ गया आपका 59 × 6 यहाँ बचा हुआ है, इधर 2 है, इधर 9 है, समझिए बात को, ये आपका क्या बच जाएगा, 2, ये होगा 3, तो क्लियर तो हो ही गया, ये 20 g, कहाँ हम कोई कैलकुलेटर लगाए, मोटा मोटी काटिए, वहाँ एग्जैक्ट काटने का जरूरत कहाँ है, है कि नहीं, काटना भी एक कला है, स्लाइस कटिंग होता है, एक कौन कटिंग होता है जो चाइना काटता है, कौन कटिंग तो कहते हैं, सीमा पर जो कटिंग करता है, सलामी कटिंग, एक कट पतला सा काटा, फिर एक पतला सा काटा, समझे, कैसे नहीं समझे, बॉर्डर पर जैसे कि 2 मीटर चला, फिर वहाँ पर रुक गया, फिर एक 2 मीटर बढ़ा, फिर बढ़ा, उसको कहते हैं पतला पतला स्लाइम कट, सलामी कटिंग, एक सलामी होता है नॉन वेज का आइटम, उसमें क्या कहते हैं, इसी टाइप को महीन महीन काटा जाता है।
चलिए समझ गए ना। चलिए हमारा क्वेश्चन खत्म होने पर है, 15 भी खत्म हो गया। अब आइए कि कहते हैं है 2005 का, लिखिएगा 2005 क्वेश्चन में क्या पूछा है, सो देखिए। 4.5 ग्राम ऑफ अल्मोनियम having atomic mass 27 mu is deposited at cathode. 27 ये तो आप जानते ही हैं क्या लिख रहे हैं, deposited at cathode from Al3 plus solution. By a certain quantity of electric charge, then the volume of hydrogen gas produced at STP from H plus ion in solution by the same quantity of electricity. जैसे ही सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला, मतलब कि हमको फैराडे का सेकंड नियम पर पहुंच जाना है। फैराडे का सेकंड, जैसे ही देखिए तेज बच्चा यदि कोई रहता तुरंत पकड़ लेता कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, सेम क्वांटिटी, ध्यान दीजिए यदि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ भैया, सेम क्वांटिटी मतलब फैराडे का सेकंड लॉ। और वो कहता है कि दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम, मतलब वेट ऑफ एजी बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी इज सेम एज, ये किसके बराबर होगा बोलिए, वेट ऑफ किसका, दूसरा गैस क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हाँ वेट ऑफ एच प्लस बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एच प्लस, या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस बटे इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे ही सेम पूछा मतलब दोनों के लिए सेम हो गया, तब वेट कितना दिया हुआ है भैया, वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.5, ध्यान से समझिए, इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है बताइए, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 7/3, क्यों 3, ये एटॉमिक वेट बताए वैलेंसी फैक्टर, आयन के लिए उसका चार्ज उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, पहला क्लास में सिखाए थे। अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमको, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम हम आपको बता चुके हैं इतना लीटर। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई, इधर इधर सॉल्व करिएगा तो इधर 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 6 बार आएगा, तो बचा क्या 1/2 इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर ऑफ H2 एट STP बटे 11.2, इसलिए वॉल्यूम इन लीटर ऑफ H2 वो हो जाएगा 11.2 बटे 2 दैट इज 5.6 लीटर एट STP। वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, तो आपका जवाब होगा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर देखने में सब दिक्कत होगा, तो दैट इज 5.6 लीटर एट STP। एक लाइन में क्वेश्चन है, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो कुछ नहीं, जब सेम इलेक्ट्रिसिटी है तो जितना इसका होगा उतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस। अब किताब में देखिए एक परिणाम जोर बनाया होगा, एक ही लाइन में बन जाता है, तो कॉन्सेप्ट समझिएगा तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। डी नंबर चॉइस है 5.6 लीटर सही है, और इसका आंसर मिला लेते हैं, इसे हम आंसर मिलाते हैं डी सही है, देखिए किताब में कितना लंबा बनाए हुए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम, वेट बटे इक्विवेलेंट इसका, वेट वॉल्यूम बटे इक्विवेलेंट वॉल्यूम उसका, बराबर कर दीजिए काम खत्म है कि नहीं।
चलिए थक गए हैं क्या, लिखिए क्वेश्चन, चैप्टर सब क्वेश्चन भी खत्म हम कर दिए, क्वेश्चन लिखिए, थक गए हैं कि ए 5 एम्पियर करंट, ए 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट्स, ए 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट्स, then the amount of zinc deposited at the cathode is, then the, फिर से बोल देते हैं, फिर से देख मिला लीजिए, a 5 एम्पियर करंट ठीक है इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट्स, then the amount of zinc deposited at the cathode is, then the amount of zinc deposited at the cathode is, चार चॉइस दिया हुआ है, चॉइस भी दे देते हैं भाई, इन्हीं कहिएगा कि सर चॉइस भी नहीं देते, दूसरा है 5.04, तीसरा है 40.65, चौथा है करिए, एक चीज आपको नहीं याद होगा वो बता देते हैं, द एटॉमिक वेट ऑफ जिंक इज 65.4 ग्राम, 4 AMU, एटॉमिक वेट जब बोले तो AMU बोल रहा है, 63 लिख लीजिए, द एटॉमिक वेट ऑफ जिंक इज 65.4 AMU, ग्राम एटॉमिक वेट होगा, ग्राम एटॉमिक वेट बोले तो एक एटम का वेट 65 पॉइंट, अब इस क्वेश्चन में इतना देर ताक रहे हैं तो हम समझेंगे बकलोल कितना, 3 देख लेते हैं, बना लेते हैं, इतना देर लग रहा है इसका मतलब कि आप चीजों को समझे नहीं है, यदि समझते रहते तो ये क्वेश्चन मुझ जवानी आप बता सकते थे, कलम उलम चलाना कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा कलम चल रहा है मतलब समझिए कि दिमाग कम चल रहा है, ये बात समझते हैं ना, ज्यादा यदि कलम चल रहा है इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि दिमाग जो है ना कम चल रहा है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा जब पढ़ के हमको बताइए, क्वेश्चन क्या पूछा, कितना करंट प्रोड्यूस किया है पास, है 5 एम्पियर, आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, आई हमको दिया हुआ है 5 एम्पियर, समय कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 40 मिनट, 40 मिनट, दैट इज 40 × 60 सेकंड, इसमें समझ गए, तो आप जानते हैं कि Q क्या होता है, I इंटू टी का प्रोडक्ट होता है 5 × 40 × 60, अब यहां से आप जानते हैं कि जिंक सल्फेट है, इसका मतलब जिंक वहां पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन में, क्योंकि सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी आपका जिंक बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्या निकालने बोला है, अमाउंट ऑफ जिंक, तो हमको अमाउंट ऑफ जिंक बताना है, तो हम जिसका निकालना होता है उसको हम इस साइड लिखते हैं, तो अमाउंट को हम इस साइड लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे
कि 2 फराड से हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक मिलेगा, तो 2 × 96500 कूलम से हमको कितना मिलेगा, कितना बताए अभी, 63.4, कितना 65.4 ग्राम मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट है वो, तो एटॉमिक वेट है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 1 कूलम से कितना मिलेगा, हड़बड़ाइए नहीं, सिर्फ बात को समझिए। तो ये 2 × 96500, तो हमको दिया हुआ है 5 × 40 कितना हो जाएगा बोलिए, तो 200 × 600 1200, तो ये 12000 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमको कितना, 65.4 × 12000 कूलम बटे 2 × 96500। इतना ही वेट डिपॉजिट होगा। यदि गुना भाग आपको आता है तो करके बताइए, नहीं आता है तो हाथ खड़ा कर लीजिए कि सर गुना भाग नहीं आता है। ये लगभग 161 में कटेगा, 16 × 10 = 54 दैट नियरली 4 ग्राम का कोई चॉइस है, हाँ 4 ग्राम इज द आंसर, यही आंसर हो, ये सही आंसर। गुना भाग भी पूरा काटना, एकदम एग्जैक्ट करना भी कोई जरूरत ना रहे, हमको आंसर चुनना है, आंसर में यहाँ 10-10 डिजिट का अंतर है, कोई 0.4 है तो एकदम एग्जैक्ट का है, हम लोग बिना गुना भाग के अंदाज लगा देंगे, इसलिए बहुत सही एक्यूरेसी का जरूरत नहीं है, खाली बस एक ही चीज का जरूरत है कंपटीशन में पास करने के लिए, कि जिंदा रहने का। जिंदा आदमी तभी रहता है, जिंदा का मतलब ही नहीं होता कि श्वास लेना, जिंदा का मतलब है कि अलर्ट रखना, अपने आप को जितना अलर्ट रखिएगा वही काम आएगा और कोई काम नहीं। पढ़ाई अल्टीमेटली आपके अलर्टनेस को बढ़ाने का एक जरिया है, कितना आप सजीव हैं, कितना सजग हैं, यही का टेस्ट है कंपटीशन, समझ रहे हैं कि नहीं। जितना चेतना आप में रहेगा उतना आप सही आंसर कीजिएगा। अचेतना कैसे आता है, कंसंट्रेट होने के लिए, अपना जो दिमाग का जो पटल है, जो स्क्रीन है ना, उसको क्लियर रखिए, नहीं तो दिमाग में ये सोचते रहिएगा, अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मम्मी क्या खाना बना रही होगी, कल जो लड़की देखी थी मेरी तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी, बात समझे। यदि स्क्रीन पर कुछ कोई दूसरा बात आ रहा है, आप क्लास में बैठे हुए हैं, मतलब स्क्रीन पर आपका क्लियर नहीं है, स्क्रीन जो होना चाहिए वो शांत होना चाहिए, उस पर एक ही बात लिखा रहा हो एक समय, समझ रहे हैं ना, ये चीज लाना है, सच बात हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, एकदम चेतना में रहना है, कुछ सोचना नहीं, पहले हम क्या किए वो भी भूल जाना है, पीछे क्या करना वो भी भूल, बस अब में जिए, देखिएगा कि लाइफ बदल, अब अभी हम क्या कर रहे हैं उसको कंसस से कीजिए, तब देखिए वो करने में कितना मजा लगता है, पास्ट में क्या किए, फ्यूचर में क्या कीजिएगा सब भूलिए, प्रेजेंट में जिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन खत्म हो गया, जितना भी था नेट में आया हुआ सब बता दिए, एगो है लेकिन वो बच्चा लेवल का बताएं लग नहीं, वो अपने आप देखिएगा आँखें मुन को बन जाएगा, ठीक है, ठीक है।